नमस्कार, मैं प्रिया। धारावाहिक 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। अब डॉक्टर साहब से परामर्श लेने के लिए आपको अस्पताल की लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अब डॉक्टर साहब आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध होंगे। हेल्प डेस्क तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को 7290055552 नंबर पर एक हाई मैसेज भेजना है और डॉक्टर से जुड़ने के लिए विकल्पों का चयन करना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत 6 दिसंबर को बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि सन 1971 में इसी दिन नई दिल्ली ने ढाका को मान्यता दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मार्च में पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। अगले महीने यानी साल 2022 में एटीएम से कैश निकालना महंगा पड़ेगा। जी हां, अब कैश निकालना और महंगा होने वाला है। ग्राहक के एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालने के बाद बैंक चार्जेस लगा सकते हैं। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार एक्सिस बैंक या अन्य बैंक के एटीएम से मुफ्त सीमा से ऊपर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर 21 रुपये और जीएसटी देना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके तहत किसानों, मजदूरों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और गरीबों को आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना इन्हीं में से एक है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के करीब 40 लाख कामगारों के रजिस्ट्रेशन कराया गया है। श्रम मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई है। देश में पहली बार तापरोधक खनिज एंडालूसाइट का खनन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और ललितपुर में होगा। इसके साथ ही खनिज संपदा से भरपूर इस क्षेत्र में सोना, रॉक फॉस्फेट और आयरन का खनन भी सरकार करवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इस फोरम का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भौतिक शाखा कार्यालय के पूरी तरह से डिजिटल बैंक आज एक वास्तविकता है और एक दशक से भी कम समय में यह आम बात हो सकती है। ट्रेन यात्रियों पर कोहरे की मार के बीच चक्रवात ने भी कहर ढाया है। जवाद चक्रवात के कारण बिहार से गुजरने और चलने वाली 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले 1 दिसंबर से ही 42 ट्रेनों को कोहरे के कारण फरवरी तक रद्द किया गया था। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आए समुद्री तूफान जवाद चक्रवात के कारण पूर्व तटीय रेल से होकर खुलने और गुजरने वाली 7 ट्रेनों का परिचालन सुरक्षा को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। झारखंड सरकार अपने मंत्रियों को नई लग्जरी गाड़ी खरीद कर देने जा रही है। इसी महीने मंत्रीगण अपने नई गाड़ियों का लुफ्त उठा सकेंगे। राज्य सरकार इस पर करीब 3 करोड़ खर्च करने जा रही है। राज्य सरकार अपने 11 मंत्रियों को लग्जरी गाड़ियां देने जा रही है। गाड़ियों की खरीदारी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा पर अब तक 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। केंद्रीय आवास मंत्रालय ने संसद में बताया है कि मल्टी फेज सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अब तक 1289 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि नए संसद भवन के 35% काम पूरा हो चुका है। दुनिया भर में लोकतंत्र के हालात पर नजर रखने वाली संस्था वी डैम के फ्रीडम हाउस ने भारत में लोकतांत्रिक गिरावट की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। फ्रीडम हाउस ने जहां भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र माना है, वहीं वी डैम ने इसे चुनावी एक तंत्र करार दिया है। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को प्रदेश की जनता को गोरखपुर दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र की सौगात देते देखे गए। साथ ही एक एफएम रिले केंद्र इटावा, गदानिया, लखीमपुर खीरी और नानपारा बहराइच का भी शुभारंभ किया। झारखंड में चक्रवाती तूफान जवाद का असर शुक्रवार से दिखने लगा है। यहां असर अगले 4 दिन तक देखने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर तूफान को देखते हुए रेलवे और बिजली विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के मद्देनजर रांची रेल मंडल आने और जाने वाले 5 ट्रेनों को रद्द करते देखा गया। पिछले 24 घंटे में 8612 रोगियों के ठीक होने की संचयी संख्या बढ़कर के 3,40,45,666 हो गई है। वहीं नतीजतन भारत की रिकवरी दर 98.35% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण करेंगे। इसके लिए बाबा के दरबार में खास तैयारी की जा रही है। लोकार्पण के अगले 1 महीने तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तैयारी की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण पीएम मोदी के हाथों 13 दिसंबर को प्रस्तावित है। भारत का सक्रिय आंकड़ा वर्तमान में 99,976 है। सक्रिय मामले देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.29% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। साथ ही इसी अवधि में देश भर में कुल 11,57,156 टेस्ट किए गए हैं।
राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार परियोजना के दूसरे चरण में शहर में 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सरकार बनने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में 2.75 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक सर्वेक्षण का हवाला भी दिया गया है और कहा गया है कि प्रति वर्ग मील सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के मामले में दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और पेरिस से काफी आगे है। बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज में छूट के लिए संचालित एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने का 15 दिसंबर आखिरी दिन है। जिले में 1,837 उपभोक्ता हैं, इसमें से ग्रामीण क्षेत्र के 1648 उपभोक्ताओं ने अब तक ओटीएस का लाभ उठाया है। ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं को इसके लिए प्रेरित करने का बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मी 3 से 15 दिसंबर तक गाँव में उतरेंगे और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के जरिए विभाग की कई सुविधाओं को लाभ देगी। नया साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई सौगात लेकर के आ रही है खबर है कि नए साल पर केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर सकती है। यानी नए साल के मौके पर कर्मचारियों की झोली में एक बार फिर से खुशियों की सौगात होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को कब बर्खास्त किया जाएगा, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा कब मिलेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून कब तक बनेगा। 7 दिसंबर को गोरखपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद कारखाने से ही एम्स का लोकार्पण करेंगे। सीएम सिटी में वो कुल मिलाकर 2 से 2.5 घंटे व्यतीत करेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 7 दिसंबर को दोपहर बाद करीब 12:25 पर विशेष विमान से दिल्ली से गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने वाले हैं। अलीगढ़ वासियों का इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। आगामी 25 दिसंबर से अलीगढ़ में 25 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने लखनऊ में इस बात की जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर से प्रदेश के 6 शहरों में 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार को स्कूली शिक्षा में सुधार करने और छात्रों की शिक्षा पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को कम करने से मदद करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। ये ऋण शिक्षा मंत्रालय को समावेशी और समान शिक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना को लागू करने में मदद करेगा। टाटा स्टील ने झारखंड के रामगढ़ जिले में अपने वेस्ट बोकारो डिवीजन में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटरों के रूप में 14 ट्रांसजेंडरों को शामिल किया है। ये कदम निजी क्षेत्र की स्टील निर्माता की घोषणा के बाद आया है कि राज्य में उसकी नोवा मुंडी आयरन माइन अगले साल की शुरुआत से सभी शिफ्टों में ड्रिलिंग, डंपर और फावड़ा संचालन करने वाली 30 सदस्यीय महिला टीम को देखने के लिए तैयार है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर अब जमशेदपुर में भी प्रीपेड मीटर लगने जा रहे हैं। इसके लिए जमशेदपुर सर्किल क्षेत्र के 4 डिवीजन में प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जमशेदपुर सर्किल के विद्युत महाप्रबंधक प्रतोष कुमार ने बताया है कि प्रथम चरण में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में यातायात सुविधा बेहतर बनाने के लिए राज्य के 6 जिलों में एसी बसों को चलाने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर से प्रदेश के 6 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी में 200 एसी इलेक्ट्रिक बस चलाने जा रही है। मिनी रत्न कंपनी भारत कोशकोड कोल लिमिटेड में 3 मेगा प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस मद में कंपनी की तरफ से 2,125.67 करोड़ राशि खर्च की जा रही है। 2023-24 तक इन तीनों प्रोजेक्ट से 10.5 मिलियन टन प्रत्येक साल उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। कोल इंडिया की तरफ से कोयला मंत्रालय को भेजी गई इस सप्ताह रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह गांव रामगढ़ के नेमरा में मंगलवार को उनकी चचेरी बहन आशा सोरेन की शादी थी। शुक्रवार को यहां गांव के भोला मरांडी के यहां पर बहु भोज का आयोजन हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री अपने परिवार के सदस्यों के साथ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के बोकारो आने की सूचना पर झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सीमा सुरक्षा बल ने ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 29 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प दिया गया है। मेटा फेसबुक ने भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारे सेफ्टी फीचर्स पेश किए हैं। मेटा ने stopncii.org की लॉन्चिंग की भी घोषणा की है, जिसका लक्ष्य गैर सहमति वाले अतरंग तस्वीरों को वायरल होने से रोकना है। मेटा ने वुमेन सेफ्टी हब की पेशकश की है, जो कि हिंदी समेत अन्य 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा।
रिसर्च के बाद कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लक्षण और अन्य चीजों को लेकर स्थिति साफ होगी। इस बीच दक्षिण अफ्रीका की डॉक्टर ने ओमिक्रॉन के लक्षण और वैक्सीन के असर को लेकर अहम जानकारी शेयर की है। दक्षिण अफ्रीका चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर एंजेलिक कोएत्ज़ी ने कहा है कि कई देशों में संक्रमण की संख्या में काफी वृद्धि देखी जा रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है खुर्शीद आलम, फनविद दिव्यांशु, ऋतिक कुमार सिंह, महेश महासेठ, माइकल ऑफिशियल, जितेंद्र ठाकुर, पवन कुमार शाह, एन के गांधी, सोनू पासवान, राजकुमार, प्रवीण कुमार, कुमार गणेश, निभा कुमारी, छोटू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे आखिरी टेस्ट मुकाबले में किस टीम का पर आपको ज्यादा भारी लग रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।